होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान महेंद्र सेठ ने कहा कि 3 महीने से पर्यटन व्यवसाय लगभग ठप पड़ा हुआ है। इसके कारण व्यवसायियों के लोन एनपीए हो जाएंगे, जिसका सीधा असर ये होगा कि उन्हें दोबारा लोन भी नहीं मिल पाएगा। इस वक्त ऐसी ही बहुत सी परेशानियों ने सबको घेरा हुआ है। सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है वो ये है कि जितने भी हमारे ऋण लिए हुए हैं जिन उद्यमियों ने पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए, उनको सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको जैसे मालूम होगा कि मार्च महीने से लेके और आज 31 मई होने वाली है और 3 महीने से पूरा जो है पर्यटन व्यवसाय ठप पड़ा है। और 3 महीने से क्योंकि पर्यटन ठप बैठा है, पहले 1 साल की मार पहले पर्यटन उद्योग झेल चुका है, तो इस कारण से जो है ये हमारे जितने भी लोन्स हैं वो सारे एनपीए हो जाएंगे। ये माना जाता है, ये तय माना जा रहा है कि जून के महीने में सारे अकाउंट्स जो है एनपीए तकरीबन 90% के करीब जो है अकाउंट्स एनपीए हो जाएंगे। क्योंकि बैंकों की जो नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि अगर आप 3 महीने लगातार किस्तें नहीं देते तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाता है। और उसका सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो ये पड़ता है कि एनपीए होने पे कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो कोई और प्राइवेट फाइनेंसिंग कंपनी है या कुछ भी है, तो वो आपको वो लोन नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी सिबिल रिपोर्ट के ऊपर ही जो है आधारित रहता है। और जितने भी उद्यमी हैं वो सबसे ज़्यादा इसका ख्याल रखते हैं, आज तक अपनी रेपुटेशन बनाए रखी उन्होंने, मगर अनफॉर्चुनेटली जो ये महामारी आई उसके कारण मजबूरी में वो जो लोग जो हैं वो अपने जो ऋण को और किस्तों को और ब्याज वगैरह नहीं दे पाए। तो हमें सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है कि जो ये इस समय जो एनपीए हो जाएंगे उसके बाद पर्यटन उद्योग के जो एक रास्ता खुला था कि वो कहीं ना कहीं से बैंक से ऋण ले लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो वो उनका रास्ता बंद हो जाएगा। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी सोच का विषय स्तंभ बना हुआ है। देखिए, पिछले वर्ष सरकार ने एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लेकर आए थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है हमें ऋण देने की बात की थी, परंतु वो जो एक स्कीम थी उस स्कीम को जो है बैंकों ने मानने से इनकार कर दिया और किसी भी उद्यमी को उसका लाभ नहीं मिला। क्योंकि बैंकों ने कहा कि हम तो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, तो हम इस स्कीम को नहीं मानते हैं। हमने दोबारा गुहार लगाई सरकार से, तो सरकार ने इस अप्रैल के माह में हम सारी हिमाचल की जितनी एसोसिएशन हैं उनसे सुझाव मांगे कि अब इसको कैसे बेटरमेंट की जा सकती है। उसमें हमने उनको सुझाव दिए कि आप बैंकों के साथ बैठ के मीटिंग करें, वो हमारे को कैसे मदद कर सकें, ताकि आने वाले समय में जो भी हमें कोई वर्किंग कैपिटल के लिए जो लिमिट्स मिले या लोन्स मिले उसको बैंक इनकार ना कर पाए। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो हमें समस्या थी, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 साल जो पूरा हमने काटा, हमें तो कोई आर्थिक मदद किसी भी सरकार की तरफ से नहीं मिली, तो हम लोगों ने जो भी हमारे जो उद्यमी हैं जो उनके पास थोड़ी बहुत कोई सिक्योरिटी बची थी उसको गिरवी रख के, या जो उनकी आपकी जमा पूंजी थी उसके बलबूते के ऊपर उन्होंने पूरा 1 वर्ष जो है अपना सस्टेनेबिलिटी की और अपने जो खर्चे उनको देते रहे। परंतु आज की स्थिति ये है कि हमारा वर्किंग कैपिटल 0 हो गया। अब बिना वर्किंग कैपिटल के किसी भी संस्था को चलाना पॉसिबल नहीं होता, कोई व्यापार नहीं चलता। इवन सरकार के पास भी अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो कहाँ से वो सैलरीज देंगे। सरकार अलबत्ता अपने सोर्सेज को बना सकती है, मगर एक प्राइवेट आदमी कहाँ से लेकर आएगा। और इसका जो सीधा असर पड़ रहा है वो ना केवल सिर्फ होटलों में पड़ रहा है, ये सारे पर्यटन उद्योगों में पड़ रहा है, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स हैं, चाहे वो एडवेंचर वाले हैं, चाहे वो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स वाले हैं, ये सब लोग हैं। और जो बेचारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे घोड़े वाले हैं, टैक्सी वाले हैं और आपका फोटोग्राफर्स हैं, उनको तो अपने घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है। तो हमने सरकार से ये किया था, मगर वो जो सबवेंशन स्कीम के लिए हमारे से जो आपने वीडियोग्राफी की अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की उसके माध्यम से बात हुई, उसके बाद हमने उन्हें रिमाइंडर भी भेजा, मगर बड़ी दुखद की बात है कि अभी तक मई का महीना अंत होने को हो गया और अभी तक वो कैबिनेट में भी जो है पेश नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।